आज हम जा रहे हैं वापस दिल्ली। हमारा डबल आदि को ही रख दो पक्का, ठीक है छोड़। योगी मैडम तो गाइस हम सब लोग हो गए तैयार। गाइस हम ऋतिक के घर आ गए। अमा आज हम जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आप कैसा लग रहा है क्या बताऊं मैं। अच्छा जिस दिन आते हो उस दिन तो खुशी होती है। हाँ दो चार दिन राम जी दिखा जाते हो फिर चले जाते हो, फिर रूम पर निशास लगना हो। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे हो गए। तो स्वागत है आज का मेरे फिर से नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं वापस दिल्ली और बाहर का वेदर कुछ इस टाइप का है, देख सकते हो आप। मतलब बहुत अच्छा आ रहा है, धूप है, थोड़ी धूप है, थोड़ी छांव है। तो काव्या आज हम जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, अच्छा? अरे काव्या को अच्छा लग रहा है। आज दिल्ली चलोगे? तो गाइस अब हम करते हैं नाश्ता, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। शुभम मिल गया। शुभम हम दिल्ली जाने कैसा लग रहा है बाबू? ठीक है आप बताओ, बताओ आप कैसे लग रहा है? अरे हंसो मत, क्या कह रहे हो अम्मा? आदू दिल्ली आना पड़ेगा बेटा। बिल्ली ले जाते हैं मल, चल बिल्ली ले जाए दिल्ली। हमारा डबल दिन देने ही नहीं दे रहे, बताओ। लिफाफा तो आमा देगी ना, मिठाई आमा लगा रही है। तुमको कितनी डबल उनकी जगह होती है आपको? अच्छा आमा को मैं बोल रही हूँ, आमा डबल दे रहे नहीं दे रहे। आमा बोल रही है कितने डबल की जरूरत होती है, आमा दे रही है। आपको नहीं पूछना, आप पहले काम नहीं। आमा सही कह रही हूँ, ठीक है अम्मा, ठीक है। रोया जान ठीक है, काम काम निभाऊंगा गली गली, ठीक है अम्मा, काम निभाएंगे। जब हम दिल्ली से आए थे इतना सामान था, अब इतना कम हो गया सामान। ये डॉगी को भूख लग रही है, शायद कुछ दे दो खाने के लिए। आदि कह रहा मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, यहीं रह रहा हूँ। आदि आप यहीं रहोगे? हाँ आदि को यहीं रख दे पक्का। तो गाइस काव्या कह रही कि भाभी आदि को यहीं रख दो, आदि को यहीं रख दो पक्का, ठीक है छोड़ दिया। आदि आदि आप यहीं रहोगे? नमस्ते नमस्ते काव्या, चलो दूर हो आप, चलो फटाफट तुम भी दूर हो जाओ। ये सबको बाय बाय करके जा रहे हैं। अभी आना है कुछ दिनों में, कुछ दिनों में वापस आना है। वो देखो उठ के आ गया, आ गया रे तो उठ के। नमस्कार भाई नमस्कार। आदि के ड्रामे शुरू हो गए, बाय गॉड। हल्द्वानी हल्द्वानी मामा नमस्कार, पीछे पीछे पीछे। तो गाइस आदि को बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, इसको रहना हल्द्वानी में। अब मैं सोची थी हल्द्वानी छोड़ा हूँ पिछले बार, अगली बार। अब इसके पेपर है 22 से 20 से, तो मुझे छोड़ना नहीं पड़ रहा है, नहीं तो मैं छोड़ देती इसको। देखो क्या क्या, हाँ बोर्ड के एग्जाम है, कहीं फेल वेल ना हो जाए, दिक्कत भी हो जाती है ना। कमल सीधा उससे ले लिए मिठाई और पेप्सी आदि के लिए। आदि दरवाजा खोलो। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए दिल्ली। मेरी आवाज़ चेंज हो गई और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सर में इतनी दर्द हो रही है एसी के चक्कर से, मैं क्या बताऊँ। ये वाली एसी मैंने बंद कर दिया, ये वाली एसी सूट नहीं करता, नॉर्मल एसी का। हाँ अरे तुम्हें क्या पता, मुझे इतनी सर दर्द हो रही है, मैंने क्या बताऊँ मैं तुम्हें। नहीं तो मैं सो के नहीं आई थी। तो गाइस हम पहुंच गए प्रीतमपुरा और योगी हमको मिल चुकी है। आ गई योगी मैडम अपने इंस्टीट्यूट से, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करके। बाप रे कैसे क्या हो गया सर में, इतना दर्द हो रहा है मैं क्या बताऊं। हाँ पता नहीं यार, बड़े बड़ा पर इतने बड़े जाना। आदि हल्द्वानी कैसे जाएंगे बेटा, अब हम यहाँ आ चुके हैं ना। कहाँ जाना है, हल्द्वानी भी आएंगे फिर जाएंगे, ठीक है। योगी वो ही बैठी है, देखो देख रही तुमको। तो गाइस मैं तो पागल हो चुकी हूँ लड़के नहीं, मुझे सुबह से मैं इतना सर दर्द हो चुका है। इसको दिल्ली नहीं आना होता है, इसको हल्द्वानी रहना है। भैया इसको छोड़ के आ जाओ, वही रखो इस आराम से। एक आध महीने स्कूल पढ़ाओ उसको, मैं तो कह रही लगी सुन रहे हो। तो हम पहुंच गए घर पे और इसने घर पे एक बार ड्रामा कर दिया है। अब हम जाएंगे भैया मनोज भाई घर, उनके घर में आज फंक्शन, मनोज भाई घर में आज कीर्तन है और खाना है। तो भैया घर में जाएंगे। आधी आज आप गोडाम जाओगे बेटा, गोडाम ले जा रहे हो। फाइनली गाइस घर पहुंच गए हैं और देखती हूँ योगी ने सोफों से निकाले सारे कवर, वो रखे होंगे शायद। और आदि देखो आरती ने चाय बनाई तो थी। अदरक काम ले। तो गाइस हम सब लोग हो गए तैयार। योगी की थोड़ा हालत टाइट है, थकी है, मेरी भी। मैं भी नहा धो के रेडी हुई, बाल बाल धो के बिल्कुल अच्छी स्मार्ट उनके, बट लग नहीं रही, वो बात अलग है स्मार्ट ये बाल बाल चिपके हैं थोड़ा। तो ललित जी चले, चलो ललित भाभी चलो। तो हमारी गाड़ी निकल चुकी है। आदि को पीछे बैठने का बड़ा शौक है। तो योगी की हालत आप देख सकते हो कितनी सुंदर बन के जा रही है। और मैं देखो आरती भी अच्छी बन के जा रही है, योगी है। तो गाइस हम ऋतिक के घर आ गए। अरे वो मनोज बोला नहीं तो रहने दे, मनोज ने बोला। ए मनोज एक मिनट आ जा भाई, 2 मिनट आ जा, अपने बच्चे में ले आ। तो गाइस इनके घर में आज प्रोग्राम, मैं इनके लिए गिफ्ट लेके आई। पसंद आया, मैं बहुत इंतजार कर रही। सालू आंटी हेलो, ये गाइस इनकी बहू है। नमस्कार। ये नानी है ऋतिक की। तू सही बता, वो कमीना एक नंबर का। मैं तुझे क्या ही बोलूं, तू रहने दे। ये जा रहा है कनाडा, हाँ ये जा रहा है अब देश से बाहर, तो उसकी मम्मी इसके लिए इतना बड़ा फंक्शन रख दिया। हिमांशु दोस्तों, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, खोलना मैं एक चीज दिखाती हूँ। ये आरती और योगी का हाल दिखाती हूँ। ये डिब्बा रखा है और इसके अंदर इतनी मिठाई भर रखी है, देखो देख रहे हो। और ये डब्बे को रख किया पैक, और ये भरा इसके अंदर, मेरे बैग के अंदर। पता है क्या बोलूंगी फिर, क्या भाभी ने मेरे के बारे में सोचते हुए लड्डू छुपा लिया और पर्स में रख दिए। देखा, लड्डू रखे पर्स के अंदर। अब भूख लगी है तो अब खाते हैं चाट पकौड़ी वहाँ जाके। चले उठी योगी और आदि के तो मजे ही आ गए। दो कोल्ड ड्रिंक, एक कोल्ड ड्रिंक नहीं है, कौन सी भी हो चले बताओ। पूरा दो और योगी एक दो पी चुकी है। अच्छा कोल्ड ड्रिंक की दीवानी है। और आरती तो चाट में रड़ी पड़ी है, मैं भी रड़ती भी मिल लेना मुझे थोड़ा। जल्दी करनी है, ये वाला लड्डू खा ले। मैंने आशीर्वाद दिया दो। अरे ये वाले लड्डू में क्या, वही वाला लड्डू खाऊंगा। ये फ्री का मिल रहा है गाइस, ये चाट फ्री की मिल रही है। वही वाला लड्डू आएगा, ये वाला लड्डू इस लड्डू में उसी लड्डू आएगा। अरे इधर लो, इधर। अरे फ्री का ऋतिक वाली अभी चुप रहो, मैं बताऊंगा। और ये ब्लॉग में लड्डू, ये ब्लॉग में डलना चाहिए। भैया मेरे को कह रहे भैया भैया पता नहीं इन्होंने कौन सी गुपचुप चल रही है। क्या पूरी रात समझाने में लगाई है शायद। एक ही काम है, कहीं भी जाओ, खाओ पियो, बाथरूम में जाओ, एक ही घंटे। मैं मुंह धोने गई थी। तो ये है कोमल का रूम और मुस्कान का रूम। ये है भैया की लॉबी। मैं सोचती हूँ यार मुस्कान में आऊंगी, मैं आ नहीं पाती हूँ। ये मुस्कान का। चलो भैया चलो, मुस्कान में परेशान मत करो, चलो नीचे। ये खाना खा रही है और मुझसे कह रही है कि ब्लॉग बना दे। कुछ काम धाम है नहीं, मैं बेरोजगार आदमी हूँ, तो मैं आज इनका ब्लॉग बना रहा हूँ। मुझे कुछ काम नहीं है, मैं पहले बहुत बेरोजगार था, इनने मुझे काम दिया, तो आज मुझे दोबारा ये कह रही है कि खाना का ब्लॉग बना दे। ओके गाइस, तो गाइस अच्छे से बोलूँगा। अगर आपने किसी फ्री के इंसान को खाना खाते हुए नहीं देखा तो इसको देखिए, ये ऐसा लगता है ना जैसे खाना नहीं मिला होगा। आज ये देखो 6 रोटी खा चुकी है और ये 8वीं रोटी है, 7वीं गैप है। झूठ बोल रही है, दोनों ये मोटू पतलू है। सॉरी ये मोटू है, पतलू है। तो भाई यहाँ पैसों की बात हो रही है कि हमें पिटिया लगाओ जबरदस्ती का। और यहाँ चल रहा है रात का डिनर, पनीर सब्जी रोटी, घी लगी रोटी। देखो हम देख किसी का ब्लॉग बना रहे, वो मिनी ब्लॉग बना रही, मैं लंबा ब्लॉग बना रही हूँ। हम कर रहे डिनर और अच्छे का ब्लॉग बना रहे, उसने ऐसी ऐसी छिल दिया, मैं क्या बताऊँ। गाइस यहाँ तो फुल ऑन मतलब हो रही है योगी आरती की, योगी लक्की रज्जू की छिल रही है, रज्जू योगी की छिल रहा है। फोकस 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 फोकस। पूरी फैमिली खाना खाती, आधी उठ के वहाँ चला गया है। आज इस ग्रुप पर ऋतिक नहीं है, ऋतिक बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, ऋतिक को पकड़ के पेला जाए। नहीं आज आज ऋतिक और ऋतिक ये सुन ही नहीं रहा, तू आज बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, आज तो खाना भी नहीं खा रहा है यहाँ के। अभी वो छोड़ गया ना, वही लेबर खड़ा हो, ये लेबर ही है। अरे ला रहा हूं, छोड़ के आना। अरे मैं भी जा रहा हूं, ये फ्री का खाने आ रहा है, काम नहीं करना क्या। चलो लेबर। तो गाइस मनोज भैया आप दिखे, फाइनली में दिखे तो बहुत बार थे। हेलो मनोज भैया, ऐसे हाय हाय गाइस। भैया गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी कौन सी गाड़ी ले रहे हैं भैया? कल बुक करनी है भैया, ले लो भैया, शादी है हमारे घर में, काम आएगी। शादी से पहले आपका टावर होगा, दिल्ली से गाड़ी आई है इस बार सही में। अरे भैया मैं गाड़ी देख के आ रहा हूं, मैं नहीं जा रहा, मुझे गाड़ी देख के आ पक्का। अरे सुबह गज्जू वो गाड़ी वाले देखना, पेमेंट ले आओ जाके देख के। अब उस दिन गए थे ना, गाड़ी की बातें चल रही, शायद क्या पता मजाक मजाक में कल कारी आ जाए, मतलब बात हो जाए, 15-20 दिन में मिल जाए। क्या करना है इस फोटो का? देख तो मैं रही हूँ, आपके लिए क्या करना है? ऐसी भी मेरे हो जाएगा। ठीक है मैं आपके लिए वैसी बना दूंगी। हिमांशु का रूम, हाँ ऐसा होगा तुम्हारे पास, ऐसा ही सब सब ले आएंगे। रातों क्रीम लगा रहे हो लक्की, चले हद हो गई, 11 बजने वाले में। चलो चलो गई, हिल नहीं रहे हो। चलो नानी जी ने जय कर दी, मेरी चलती नानी जय बाय। अभी कर रही अच्छी से, कर रही जय। तो गाइस अब हम जा रहे रात के 11 बजे स्वर्ण पारिक से अपने घर। तो मिलते हैं आपको कल को नए ब्लॉग में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।